सो ग्रीटिंग्स पोके फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमॉन रेड एडवेंचर के एपिसोड के अंदर। सीरीज बहुत ही बड़ी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोरी भी बहुत मस्ती है, तो ज़रूर देखना। पिछले एपिसोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपका एपिसोड पसंद आ रहा है तो लाइक करना, और सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेनली मुझे लगा नहीं था कि ये गेम इतना ऑसम हो सकता है, बहुत बड़ा गेम है लेकिन गेम बहुत ही ऑसम है। और फिलहाल तो हम लोग इस पोकेमॉन से बात करने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे सोफेच दिख रहे हैं, लास्ट एपिसोड से पापेच भी बहुत सारे पॉपअप हो रहे हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे हम लोग को एक अनदर जिम लीडर मिल सकता है। तो आइलैंड्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट को हम लोग जरूर चेक करेंगे आज के एपिसोड में। उसके साथ साथ मैं आज के एपिसोड में इस आइलैंड का कंप्लीट जर्नी भी रैपअप करने की कोशिश करूंगा। गैराडोस के साथ कुछ भी मिशन नहीं है, यहाँ पे मार्था फिर से एक बार सोया हुआ है जो अपने को आगे जाने नहीं देगा। ऑब्वियसली बात है, कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन काइंड ऑफ उसका भी मिशन ही है, वो तो वो सिर्फ से कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग सारे बंदों से बातचीत कर लेंगे। मैं पोकेमॉन्स को हील भी करने की सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है मेरे पोकेमॉन्स फिलहाल के लिए, और इससे करके मैं हम लोग चैलेंज नहीं कर पाएंगे जिम लीडर को। लेकिन एक दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो हम लोग को जिम लीडर के पास जाने नहीं दे रहा है क्योंकि जिम लीडर खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो खुद बिजनेस कर रहे हैं कुछ तो। और शिवा यहाँ पे हमेशा की तरह जो हम लोग को टेलीपोर्ट कर सकते हैं हर एक आइलैंड पे, हील करेंगे नर्सराय के पास जाके, और उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे और मेन मिशन की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे पोकेमॉन्स के लेवल और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे जिससे करके और ज़्यादा हेल्प हो सकती है हम लोग को बैटल करने में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जूलियन और ये भी रूडी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअली रूडी बहुत ही गर्ल्स में फेमस है और देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एनिमी के अंदर भी है। मेन एनिमी के अंदर जो ऑरेंज लीग का है उसके अंदर भी दिखाया गया है। और यहाँ पे सर्व करेंगे आगे तक जाने की कोशिश करने वाला हो, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ कोलाइडर है जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे, इनविजिबल कोलाइडर। और यहाँ पे सोफेच 47 लेवल का, तो मुझे ऐसा लग रहा है रूडी के पास सोफेच हो सकता है। और यहाँ आई हेट रूडी, वन टाइम आई सॉ हिम टच माय सिस्टर। ओके, तो ये रूडी की सिस्टर नहीं है डेफिनेटली, इतना तो फिक्स हो गया। रूडी की सिस्टर के साथ बातचीत करनी है, लेकिन यहाँ पे सॉरी जिम लीडर इज डूइंग हिज ओन बिजनेस। ओके, फिर से एक बार यहाँ पे भी सेम बंदा, लेकिन हम लोग हैं जुगाड़ी इंसान तो हम लोग पूरा घूम के जाएंगे पीछे के साइड से। और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आई एम सॉरी बट आई एम ऑन माई ब्रेक एंड कम बैक इन अ फ्यू वीक्स। तो यहाँ पे कोई चैलेंज करने आए थे, आई केम ऑल द वे फ्रॉम द वैलेंसिया आइलैंड, आई डोंट नो व्हाट टू से बट आई एम इम्प्रेस्ड। सो जेकब, ओके, ओ माई व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, हाँ। सो से स्वीटहार्ट, डू यू वॉन्ट टू गो विद अ डेट विथ मी, और दैट्स माई गर्लफ्रेंड। और इसी के साथ सो फैज शटिंग अप, और इसी के साथ ये ना मुझे ऐसा लग रहा है टीम रॉकेट या फिर पोकेमॉन एसोसिएशन के साथ मिला हो सकता है ये रूडी, और क्योंकि इसका भी बिहेवियर काइंड ऑफ वैसे ही दिखाई दे रहा है मुझे। यू क्रीप, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू, ओके, टू द पोकेमॉन एसोसिएशन, दे डोंट डू एनीथिंग वेल, यू आर नो फन। क्योंकि पोकेमॉन एसोसिएशन मिली हुई है और ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, और कौन से एपिसोड में देखा है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सारे एपिसोड चेक कर लो, बहुत ही ऑसम से है। प्रॉपरली नेमिंग है तो आपको ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओके, तो महारी वो आर यू, ओके, यू आर हिज सिस्टर। तो यहाँ पे है रूडी की सिस्टर। आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ महारी एंड आई एम प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू, सॉरी टू बॉदर यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैटल योर ब्रदर फॉर जिम बैच, आई एम सॉरी माई ब्रदर ऑन अ बिट लेजी व्हेन इट्स कम टू हिज ड्यूटी, आई गो। ओके, अभी वो जाने वाली महारी अपने ब्रदर के साथ, मतलब रूडी के साथ बातचीत करेगी और उसको कन्विंस करेगी कि वो हम लोग से पैडल करे। लेकिन यहाँ पे है एलकाज़ाम, विक्ट्री बेल, और कोई है नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। रिटर्न करते हुए इन दोनों पोकेमॉन्स को, और दे वरंट अ वाइल्ड पोकेमॉन वो अटैक मी, तो हम लोग के पर किसी ने तो अटैक किया है, पता नहीं किसने अटैक किया है। लेकिन यहाँ पे रूडी की जिम के सामने जो भी चीज़ थी वो अभी जा चुकी है, तो यहाँ पे है जिंक जिससे करके हम हमारे पोकेमॉन्स का स्पेशल डिफेंस इंक्रीज कर सकते हैं। और ग्लेस भी है, तो ग्लेस के अंदर भी अब सीरीज है, ऑसम सी सीरीज है, ऑसम सा गेम प्ले है, उसको भी चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आज तक जितने पोकेमॉन गेम्स खेले उनका सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे महारी गायब हो चुकी है, तो महारी अभी मिशन कहाँ से एक्टिवेट कर सकती है वो चीज़ हम लोग को देखनी पड़ेगी। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत ही मोस्ट प्रॉब्ली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे है रूडी और बहुत सारी गर्ल्स के साथ, कम ऑन दैट्स इनफ, ओके, और हाँ हाँ हाँ, यू आर सो शाई, स्लाई एज शाई, लेकिन रूडी यू आर बींग मीन टू मी एंड यू केयर अबाउट एलेक्सिस। तो यहाँ पे गर्ल्स के बीच में रूडी को लेकर थोड़ी सी काइंड ऑफ झगड़ा झगड़ी हो रही है। लेकिन पिग, यहाँ पे हम लोग को पिग, हम लोग ने जैसे उसको बोला तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा लाउड हो गया, मैं चाहता था मन में बोलने के लिए लेकिन वैसे वाली बात नहीं थी। कम बैक हियर यू लिटिल स्मार्ट, और नाउ हु आर यू कॉलिंग, नो वन,
ओके, तो हम लोग कुछ नहीं बोलने वाले और यहाँ पे रूडी थोड़ा सा गुस्से में इसके लिए घूमते हुए दिखाई दे रहा है और इट्स नॉट मी देन इट्स मस्ट बी यू। हाँ हाँ हाँ, यू आर नॉट गेटिंग अवे दिस इजिली, आई वॉन्ट यू टू से आई एम अ पिग, तो गो ऑन से इट। और यहाँ पे लड़के हंसते हुए और हम लोग को कैसे भी करके बोलना पड़ेगा आई एम अ पिग, तो शॉप इट किड कम ऑन। और इसी के साथ गोको एम एस कम टू बी अ ओके पोकेमोन सेंटर को बुलाया है ग्रीन ने, तो उसका कॉल आया था और ग्रीन बहुत दिनों से ब्लू के ऊपर नज़र रखे हुए था, तो मुझे लगता है ग्रीन को कुछ तो मिला रहेगा और ब्लू के ऊपर नज़र क्यों रख रहा है, क्या चल रही है, तो उसके लिए बहुत ही औसम स्टोरी है। मुझे ऐसा लगा तो स्टोरी इतनी औसम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे टीम रॉकेट के मेंबर है और उसको हेल्प चाहिए, ग्रीन को हेल्प चाहिए हमारी, और उसके लिए उसको कॉल किया था और यहाँ पे नर्स बोलते हुए हेल्प, इसी के साथ वो भी चिल्लाते हुए आई एम टेकिंग ओके, हम लोग अभी दो दो करके बांट लेंगे इन लोग को। और ड्यूअल बैटल यहाँ पे मैगमॉट हो और सामने है टैंक वॉस और हमारे पास है बल्बा और डायनामाइट, दोनों भी हरा सकते हैं दोनों पोकेमोन्स को, लेकिन थोड़ा सा स्विचिंग भी कर सकते हैं। अगर पोकेमोन के लेवल हम लोग को इंक्रीज़ करने हैं तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ कि पोकेमोन स्विचिंग पे भी, और अगर सामने ही मोस्टली अगर रहेगा कि जो अपना जो है राइवल, तो वैसे ही हो सकता है, मतलब अपोजिशन ही रहेगा। अगर मैं बोल सकूं कि अभी विनासोर हरा सकता है यहाँ पे मैग्मा इलेक्ट्रोवायर को, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विनासोर को। तो फाइनली यहाँ पे जो रेजर लीफ है वो दोनों को बैठने वाली है, ऐसा नहीं है कि रेजर लीफ दोनों को नहीं बैठेगी, तो एक ऐसा मुझे प्रॉब्लम अच्छा अटैक लगता है। अर्थविक थोड़ा सा काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि अर्थविक सबको बैठा है, खाली सामने वाले पोकेमोन्स को नहीं बैठा, अपने पोकेमोन्स को भी बैठेगा ये चीज़। उसके पास लागा फ्लूम भी सिमिलर अटैक है, तो ऐसे अटैक यूज़ करने से हम लोग को थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग ने ग्रंट्स को बैटल से बाहर निकाल दिया, हरा दिया उन लोग को। और रूडी That's the gym leader of this island. So the gym leader here is working for the Team Rocket, just like yes, definitely. तो यहाँ पे सारे के सारे जो जिम लीडर्स हैं वो टीम रॉकेट के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीम रॉकेट के अंडर आती है पोकेमोन एसोसिएशन और पोकेमोन एसोसिएशन के अंडर आते हैं जिम लीडर्स। रूडी महारी जस्ट गो होम एंड नो रूडी आई एम प्रॉमिस अ पर्सन दैट आई विल गेट हिम अ जिम बैटल टूडे, इट्स योर ड्यूटी एज अ जिम लीडर टू रोल अ मॉडल फॉर एवरी वन इन ट्रिवोटा आइलैंड। Maybe I don't want to be a gym leader. I never wanted to be a one, but I wanted to go to school like a normal person. और ये kind of थोड़ा सा ऐसा अलग सा twisted सा story लग रहा है, लेकिन अभी it doesn't matter. और sniff sniff, come on Rudy, show me your hot tub and tell that freak to do get go away freak. और इसी के साथ अभी फ़िलहाल रूडी अपने सिस्टर पे गुस्सा होने की वजह से खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसकी सिस्टर भी कुछ तो बोल दी महारी को, मतलब उसकी सिस्टर, तो अभी रूडी गुस्सा हो चुका है, एक ब्रदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बीच में आ चुका है, तो वो अभी फ़िलहाल अपने सारे गर्लफ्रेंड्स को भगा चुका है। और फाइनली अभी रूडी ने अपना जिम ओपन कर दिया है, तो हम लोग रूडी को जाके चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हील करेंगे हमारे पोकेमोन्स को, क्योंकि टीम रॉकेट को हराते हमारे पोकेमोन्स थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनको हील कर लेंगे। और अभी हम लोग जा सकते हैं रूडी को चैलेंज करने के लिए, रूडी के जिम में भी थोड़े से पैदे हो सकते हैं, उनको हम लोग चैलेंज करेंगे, उनको भी हराने की कोशिश करेंगे और उस करके हमारे लेवल भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग महारी से मिलेंगे और My brother is doing gym battle again, good luck. तो इसी के साथ हम लोग अभी जाएंगे और चैलेंज करेंगे इस जिम लीडर को, लेकिन उससे पहले ये सारे के सारे बंदे जो है बैटल नहीं कर रहे, एकदम साइलेंट से बंदे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग रूडी के साथ बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सारे के सारे एक्टिवेट हो सकते हैं। इट्स अ लिटिल पीगी, इफ यू वांट टू बैटल मी यू मस्ट गेट रिड दिस अनॉइंग पर्सन ऑफ चैलेंज, इट साउंड्स लाइक अ मोर यू वांटेड टू बी डू अ जॉब। तो ओके, तो फाइनली रूडी जॉब करने के लिए आ चुका है और हम लोग अभी चैलेंज करने वाले हैं उनके प्यादों को और उनको डिफीट करने की कोशिश करेंगे। माइटी एना इसके पास है, तो माइटी एना को डिफीट इजीली कर सकते हैं हम लोग। स्लीप ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है फिलहाल, क्योंकि जब आपके पोकेमोन के लेवल कम रहते हैं तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि सामने वाले पोकेमोन आपके अटैक ना करें, इसके लिए जो स्लीप ऑर्डर से हिप्नोसिस है वैसे अटैक ट्राई करो। उसके साथ साथ आप ड्रेन करने की भी कोशिश करो पोकेमोन की, क्योंकि अगर आप ड्रेन करते रहोगे उसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है इस मामले में। और सेकंड ट्रेनर इस वक्त तीन पोकेमोन है, नाइट बेल एक अलग पोकेमोन जो फैनमेंट पोकेमोन भी इस गेम के अंदर आपको देखने मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे डस्क बेल आते हुए, नाइट बेल का एवोल्यूशन डस्क बेल, और उसके मेरे पास मुझे लग रहा है कि और एक एवोल्यूशन हो सकता है जो हम लोग ने अभी तक देखा नहीं है। पैरिस सॉन्ग जो बल्बा का लेके जा चुका है, तो पैरिस सॉन्ग बहुत ही इफेक्टिव है, अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हो तो कर लो, लेकिन इग्नोर नहीं होता कैसे भी करके। और डार्क पर सीख रहा है हमारा गैस, और गैस का इवोल्यूशन करने वाले हम लोग गेंगार के अंदर, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि इसके लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। और यहाँ पे डस्क बेल लेवल 60 का, तो यहाँ पे बर्न हो चुका है बेचारा, लेकिन हम लोग उसके ऊपर थोड़ा रहम नहीं करेंगे, उसको हराएंगे ज़रूर। और इसी के साथ सेकंड ट्रेनर आ चुका है रूडी के खाते का, मतलब जो प्यादे है रूडी के, जिम लीडर जो रूडी है उसके,
और मेन तो है ये ट्रोवेट आइलैंड का जिम लीडर है रूडी, और हमारा थर्ड जिम है ये ऑरेंज लीग का, जिसको हरा के हम लोग कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कौन सा जिम बैच ये देने वाला है, लेकिन ये जरूर कुछ ना कुछ तो देगा। एक्वेरियस जो हम लोगों ऑरेंज लीग के स्टार्टर हमेशा दिखते हैं, जो है डायनामाइट एक्वेरियस, उसके साथ साथ एक और है जो काइंड ऑफ चिकोरिटा जैसे दिखता है, लेकिन उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। और अगर आपको नाम याद रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना, और आपने अभी तक फॉलो किया रहेगा तो आपको भी नाम पता रहेगा मेरे सीरीज को। और ये सारे बंदे बाहर जाते हुए, और हम लोग को भी बाहर आना पड़ेगा क्योंकि हील करना पड़ेगा हमारे ऑप्टिमंस को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। और जाएंगे सीधा रूडी को चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि रूडी के पास कौन से पोकेमॉन होने वाले हैं। इतना तो फिक्स है रूडी के पास है सोफेच, क्योंकि इस आइलैंड पे बहुत सारे सोफेच आपको देखने मिलेंगे, और उसके वजह से मुझे लग रहा है कि रूडी के पास बहुत सारे सोफेच हो सकते हैं। तो सीधा रूडी के साथ बातचीत कर लेते हैं। फाइन काम डाउन, ओके। और इसी के साथ रूडी बाहर आते हुए, हे लिटिल पिगी कैन यू, ओके ऑइंग ऑइंग, और दैट्स फनी बट आई डोंट नीड यू टू होल्ड बैक एनी मोर। हम लोग थोड़े से गुस्सा है, ग्रीन ने हम लोग को पहली बार इतना गुस्से में देखा है, तो डेफिनेटली उसका कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अटैक ट्रेनर, ओप्स माई मिस्टेक्स, और लेट्स बैटल। तो रूडी के पास कौन कौन से पोकेमॉन है, रूडी के पास फर्स्ट पोकेमॉन है वो है पिजियोट जी, जो अलग रीजन से आता है, और उसको हम लोग ने बहुत बार देख लिया है। इसको हराने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग पॉली का अटैक यूज़ कर सकते हैं, सर्फ अटैक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये फायर टाइप लगता है, और अगर हम लोग इसके ऊपर सर्फ अटैक यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा हिप्नोसिस यूज़ कर रहा है, तो हिप्नोसिस के लिए हम लोग ने बहुत ज़्यादा फुल हील भी कैरी करके रखे हुए हैं, और फुल हील दे के हम लोग ये सारी चीज़ें करने वाले। थोड़ा सा रूडी से मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग उसको गलती से कुछ बोल दिए थे, गलती नहीं थी एक्चुअली, उसकी गलती थी, लेकिन हम लोग उसको बोल दिया और सारे बंदों के सामने उसको हम लोग को ही खुद को पिक बुलाना पड़ा, तो उसके वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड जरूर हुई। इस फ्रस्ट्रेशन के बीच में मैंने गलत मिस्टेक कर दी कि मैंने बल्बा को सिलेक्ट कर लिया, स्लिप ऑर्डर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उस बंदे ने काइंड ऑफ अलग अटैक कर लिया, और यहाँ पे मुझे सर्फ अटैक करना पड़ेगा। फायर ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोबेबिलिटी रेट से बाहर टाइप लोजन फायर ब्लास्ट कर रहा है, तो अच्छा खासा ट्रेन किया रहेगा उसको। और यहाँ पे नैस्ट्रिक्स आते हुए, नैस्ट्रिक्स को भी स्लिप ऑर्डर देना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप चेक कर पा रहे हो तो नैस्ट्रिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऑयल पोकेमॉन है और ये भूल गया। और डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे भी कुछ फैनमेड पोकेमॉन है, उसके बारे में आपको स्ट्रैटेजिक्स ऑलरेडी सोचने पड़ते हैं इस गेम के अंदर, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग स्ट्रैटेजी उनके लिए लगानी पड़ती है, क्योंकि उनका टाइप वेरिएशन भी अलग है। और यहाँ पे आ रहा है टोका कैनन, जो आपको काइंड ऑफ मिल सकता है सन एंड मून के अंदर, इसका मैंने एक प्री वॉल देखा था, उसके वजह से ऐसा लग रहा है वो उसका एवोल्यूशन हो सकता है, और ये बहुत ही अच्छा गेम है फिलहाल तो। और काइंड ऑफ उसका V2 भी निकला है, लेकिन V2 तो फिलहाल V1 खत्म करने के बाद ही V2 खेल सकते हैं वैसे तो। और यहाँ पे स्लीप ऑर्डर हम लोग ने दे दी है, और फिलहाल काइंड ऑफ स्लीप ऑर्डर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, बेनिफिशियल ज़्यादा है। और इसके साथ हम लोग ने टॉकिंग कैनन को हरा दिया, आ रहा है डॉट्री हो, तो उसके दो पोकेमॉन बाकी है, एक तो ज़रूर होगा उसका सोफेच, द सोफेच, क्योंकि बहुत सारे सोफेच मिल रहे हैं फिलहाल ट्रोवेट आइलैंड्स के ऊपर, तो उसके वजह से मुझे लग रहा है उसके पास सोफेच हो सकता है। ये जो डॉटरी हो ये आपको मिल सकता है पिंकन आइलैंड्स के ऊपर, उसके बारे में पर्टिकुलर एपिसोड मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, जो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के पूरे के प्ले लिस्ट के अंदर। और हम लोग ने फाइनली डोडरियो जीरो को हरा दिया, जो है ऑरेंज लीग डोडरियो, जो आप पिंक एंड डोडरियो भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन है उसके। सोफेश यहाँ पे आ रहा है, सोफेश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू फारफेश का एवोल्यूशन, और काइंड ऑफ इसको रियल एनिमे में भी रख सकते हैं, लेकिन अभी रियल एनिमे में थोड़ा सा अलग हो गया, उसके पास सॉर्ड एंड शील्ड भी आ चुके हैं, तो ये काइंड ऑफ प्रॉपर लग रहा था मुझे, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक इवोल्यूशन हो सकता है। उसकी आंखें छोड़ेंगे तो आंखें काइंड ऑफ उसकी चेंज कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे फ्लेम थ्रो यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे डिजाइन है फिलहाल तो फैनमेड के हिसाब से मुझे लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग ने सोफेच को हरा दिया, और फाइनली जाके हम लोग ने घमंडी रूडी को हरा दिया है। और रूडी यहाँ पे हारते हुए, यू थॉट यू कुड डिफीट मी द चैंपियन ऑफ द कैंटो, व्हाट अ चैंपियन, और सब लोग भूल चुके हैं कि हम लोग चैंपियन ऑफ कैंटो है, कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं टीवी का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी को भी पता नहीं हम लोग चैंपियन ऑफ कैंटो है। हाँ, तो जब से ऑरेंज के अंदर आए हो, दूसरे गेम के अंदर भी, ग्लेस के अंदर भी, हम लोग जब से टू नोट से झूठ हो गए उसके अंदर भी सिमिलर, किसी को पता नहीं चैंपियन है, बहुत बुरा लगता है। व्हेन ही पास्ड अवे आई वाज गिवन द टाइटल एंड ट्राई माय बेस्ट, बट आई कुडंट मेजर अप टू हिम, पीपल कॉल मी अ इनकॉम्पिटेंट एंड यूजलेस एंड अदर थिंग्स। सो इसके पास टाइटल इसको नहीं चाहिए था जिम लीडर का, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो फर्स्ट चाइल्ड रहता है ना फैमिली के ऊपर ही आ जाता है अगर किसी का फादर नहीं रहता उसके बीच में, जैसे कि ब्रॉक फॉर एग्जांपल, दैट्स बिकॉज ही इज नॉट। और इसी के साथ ये बंदी है माहेरी, जो रूडी की बहन है, जो टीम रॉकेट के साथ मिली हुई, तो ऑब्वियस सी बात है रूडी नहीं था, रूडी की सिस्टर थी जो मिली हुई थी टीम रॉकेट के साथ। एंड वी ऑल आर हियर फॉर द रीजन, डैनी और सीसी, जो दोनों मेरे सबसे बड़े राइवल्स हैं, जिनको हराने में मैं हमेशा ही काइंड ऑफ वही पसीने आ जाते हैं क्योंकि लेवल कम है। और ये इज अ पार्ट ऑफ द टीम रॉकेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इन फैक्ट दैट आई वाज द वन हु अटैक यू बैक फ्रॉम रूट 7, आई हैड फूल्ड यू। तो ये बंदा था जिसने हम लोग के ऊपर अटैक किया था, ये ऑलरेडी हम लोग को पता चल चुका था, और बचाने वाला बंदा था द पता नहीं, लेकिन ड्राउन हो सकता है,
या फिर हो सकती है पिंक, या फिर हो सकती है ब्लू। और वी हैव टू बिलीव दैट रूडी वॉज अ पार्ट ऑफ अ टीम रॉकेट टू लोअर योर गार्ड एज वेल एज टू लूर यू इन टू स्पॉट एंड टीम रॉकेट ग्रंट्स लाइटिंग इन अ मैंडरिन आइलैंड हार्बर हियर आर प्लांटेड टू कंफ्यूज यू ऑल दिस विद आवर डियर माहेरी। तो माहेरी काइंड ऑफ सब मिली हुई है और रूडी को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि उसके सिस्टर क्यों मिली हो सकती है, ऐसी चीज़ क्यों चल रही है फिलहाल। और लीडर ऑफ ट्रवेट आइलैंड नॉट यू, आई ट्रेन विद डैड नॉट स्टॉप, ही वॉज स्टिल अलाइव एंड ही प्रॉमिस दैट आई विल बी गेट अ पोजिशन ही रिटायर्स। लेकिन काइंड ऑफ रिटायर होने के बाद आप पोजिशन शिफ्ट कर सकते हो आप किसी भी चाइल्ड के पास, लेकिन अगर आप मर जाते हो रिस्पेक्टिवली तो उसके बाद आपको देना पड़ता है फर्स्ट चाइल्ड को एज ए जिम लीडर। लेकिन यहाँ पे सोफेश निकाला है, सोफेश काइंड ऑफ टेलीपोर्ट कर सकता है, टेलीपोर्ट बोथ गोकू एंड मेस एंड ग्रीन टू द सेफ स्पॉट। तो अभी सेफ स्पॉट क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ से हम लोग टेलीपोर्ट हो चुके हैं। डैनी रूडी आई डिडंट नो यू वेर द दिस गैलेंट, वेल आई डिडंट नो यू वेर सच अ स्कम बैक आइदर, तो आई गेस वी आर नॉट ओके। तो यहाँ पे धक्का मारते हुए डैनी रूडी को और काइंड ऑफ गोकू एंड मेस विल कम बैक सो सेव रूडी हियर डिस्पाइट आवर ओके। तो हम लोग जरूर बचाने वाले, वैसे सीसी को पता है और डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि रूडी ने हम लोग को हेल्प की है भाई, इतनी बड़ी हेल्प की है उसने हम लोग को। तो ब्लू व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो आई एम बीन लिविंग हियर फॉर द क्वाइट अ सम ओके। यहाँ पे ब्लू है तो काइंड ऑफ जो दूसरी थी वो तो पॉलीगॉन था, इतना तो पता चल चुका है पॉलीगॉन था ना कि पॉलीगॉन था। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी ग्रीन के सामने काइंड ऑफ हम लोग कंफेस करने की कोशिश कर रही है, ब्लू सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही है। और वेट यू मीन यू हैड रन इन विद पोकेमॉन एज वेल बैक इन अ टैंगलो आइलैंड व्हेन आई वाज अनलॉकिंग द गेट्स और द एस्केप अ पॉलीगॉन अटैक मी एंड इट वाज किल्ड मी बट आई वाज एबल टू एस्केप हाउएवर इट डजंट लीव मी अलोन एंड इट्स हॉन्टेड फॉर मी ऑल अराउंड द ऑरेंज लीक एंड इट इवन डाइड ओके डिसगस्ट इट सेल्फ और ओके। तो उसने काइंड ऑफ उसका रूप भी ले लिया, डिस्गाइज कर लिया खुद को और उसके वजह से वो घूम रहा था, उसके वजह से स्क्रीन को भी लग रहा था ब्लू उसकी हेल्प नहीं कर रही है, ब्लू उसके अपोजिट में है। और तो मेनली ब्लू की कुछ गलती नहीं है इसके अंदर और जैसे कि मैंने सोचा था तो सिमिलर निकला, ब्लू बहुत ही अच्छी है। और हेल्प टू वाइल टू हेल्प यू एंड लिटिल बिट व्हेन यू वेयर अंडर ओके व्हाई डिडंट यू रिवील योरसेल्फ अर्लियर कम ऑन ग्रीन यू आर बेटर देन दैट देयर इज अ किलर पॉलीगॉन दैट कैन मॉर्फ इनटू एनीवन आई नो व्हाई वुड आई टेक सच अ रिस्क ऑल्दो आई हैव बीन फॉलोइंग यू अराउंड गोकू एमएस ओके। तो यहाँ पे हम लोग को ब्लू ने बचाया था, जब डैनी अटैक कर रहा था तो मुझे लगा पिंक ने बचाया रहेगा, लेकिन यहाँ पे बचाया था हम लोग को ब्लू ने। और दोनों टाइम, एक टाइम तो सेंटा ने बचाया था और दूसरे टाइम हम लोग को ब्लू ने बचाया था, सेंटा भी हमारे साथ ही घूम रहे हैं जेब के अंदर सोचो। तो रूडी इज ट्रबल, हाउ डू यू नो हिम, रूडी रेस्क्यू मी व्हेन आई वॉज अटैक बाय द पॉलीगॉन, ही इज अ काइंड ऑफ इनफ, लेट मी स्टे इन दिस सेफ हाउस या वेल इज सिस्टर वो इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द टीम रॉकेट। तो अभी हम लोग सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं ब्लू को कि रूडी यहाँ पे गलत नहीं है, एक्चुअली उसकी सिस्टर जो है माहेरी हुआ है यहाँ पे गलत है। और ग्रीन इज राइट, मी नीड टू स्नीक इन फ्रॉम बैक, और बैक तो बताइए हम लोग जैसे घूम के गए थे वही वाला रीजन हो सकता है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं स्नीक बैक करके। और यू आर गोइंग टू स्टील फ्रॉम मी हिम ओके। तो यहाँ पे सोफेच लेके जा चुका है ग्रीन और ब्लू को, या फिर हमारे जेब के अंदर आ चुके हैं दोनों के दोनों, मुझे लग रहा है सोफेच भाग गया, ये दोनों हमारे जेब के अंदर आ चुके हैं। आज का एपिसोड में यहीं पे रोकने वाला हूँ, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग रूडी द जिम लीडर को बचाएंगे और जिम का बैच भी लेना है, दिया नहीं साले ने, तो जिम का बैच भी ले लेंगे और देखते हैं कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू गाइस, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको एपिसोड कैसे पसंद आ रहे हैं और ज़्यादा मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूँ खुद को। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम से पोकेमॉन एडवेंचर रेड के एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।